नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार तीरथ सिंह रावत 6 अप्रैल को रायवाला पहुंचेंगे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा समेत कई दिग्गज भी उपस्थित होंगे। बता दें कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के रायवाला पहुंचने से पहले छिद्दरवाला में बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का स्वागत भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का भव्य स्वागत भी होगा। कार्यक्रम में मंच से सरकार की उपलब्धियां भी जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बता दें, यह जानकारी बीजेपी के जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता करते हुए दी। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ऐतिहासिक इस दृष्टि से भी कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पूरे देश में हम बूथ स्तर पर मनाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि उस दिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में प्रत्येक बूथ से जो कार्यक्रम हमने बूथों पर करना है, हमने लक्ष्य रखा हुआ कि एक बूथ से कम 10 कार्यकर्ता हमारे उस रैली में पहुँचें। और सौभाग्य है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय प्रभारी, सह प्रभारी, सभी का मार्गदर्शन हमें वहाँ पर मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य भी है कि चारों प्रदेश के बड़े नेता, सरकार और संगठन का संगम वहाँ पर होगा। ये ऋषिकेश के लिए भी कुछ न कुछ सौगात मिलेगी और कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी 2022 के लिए। जैसे हमारा 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको मनाती है, प्रदेश स्तर पर भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, तो ऋषिकेश विधानसभा का एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हम जो है करने जा रहे हैं। ये रायवाला पाम रिजोर्ट है, वहाँ पर जनसभा के रूप में, और इसी कार्यक्रम में हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के, जो हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं, उनके 23 मार्च को कार्यकाल पूरा होना था 4 साल, तो ये कार्यक्रम हमारा 26 मार्च को रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के अस्वस्थ होने के कारण ये कार्यक्रम 6 अप्रैल को, और उनके 4 साल सफलतम पूरे होने पर भी ये कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे तीरथ सिंह रावत जी, और प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी, और प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मदन कौशिक जी, प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, ये सब हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में रहेंगे। और कम से कम 10-12 हज़ार संख्या की हमने जनसभा करी है। हरिद्वार के भगवानपुर निवासी मोहम्मद इस्तकार अली नशे के साथ महंगे शौक पूरे करने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी करता था। नतीजा ये हुआ कि रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस्तकार को स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। रायवाला थाना अध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि इस्तकार अली के कब्जे से करीब 17 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसे न्यायालय में पेश किया है, जहाँ कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। ये कल हम लोग एक चेकिंग कर रहे थे नेपाली धर्म के पास, तभी एक स्कॉर्पियो की सूचना है कि उसमें स्मैक है। हम लोगों ने चेकिंग की तो उसमें एक लड़का था, उसके पास से मिला 16 ग्राम के साथ स्मैक ग्राम की, अभी पंजीकृत कर मान्य न्यायालय। मीडिया को संबोधित करते हुए अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आदि अनादि काल से केवल 13 अखाड़े हैं एवं भविष्य में 13 ही रहेंगे। परिषद की तरफ से किसी भी अन्य या 14वें अखाड़े का को मान्यता नहीं दी गई है और न ही भविष्य में दी जाएगी। साथ ही अगर किसी भी मीडिया कर्मी के द्वारा कहीं पर भी 14वें अखाड़े का जिक्र किया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए कोर्ट में घसीटा जाएगा। है कि आप लोग बार बार निवेदन करने के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी सनातन परंपरा में केवल 13 अखाड़े हैं, बस 13 के अलावा 14वां अखाड़े की मान्यता नहीं दी गई है। और आज अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अगर किसी ने 14वें अखाड़े का किसी प्रकार से नाम लिया तो मैं कोर्ट में तलब करूँगा उसको। किसी मीडिया वालों ने, किसी पत्रकार बंधु ने अगर दोबारा किसी 14वें अखाड़े का नाम लिखा तो मैं कोर्ट में से तलब कर लूँगा। इसलिए लास्ट बार अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ आप लोगों को कि भ्रम पैदा मत करिए पब्लिक में, केवल 13 अखाड़े हैं और 13 ही रहेंगे।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने जंगलों में लगी आग के लिए राज्य की बीजेपी सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार ने वनाग्नि से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की, यही वजह है कि राज्य के जंगल धधक रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो वनाग्नि है वो भयानक रूप लेती जा रही है। गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में जिस प्रकार से जंगलों में आग फैली है, इस बात से साबित हो गया है कि राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के पास, राज्य के वन विभाग के पास इस जंगलों की आग से लड़ने का कोई तरीका इनके पास नहीं है। कोई तैयारी सरकार की नहीं थी। जिस समय फरवरी मार्च में जंगलों में आग के लिए लड़ने की तैयारी करनी चाहिए थी, आपदा से निपटने की तैयारी करनी चाहिए थी, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आग लगी हुई थी, जो उनके यहाँ कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही थी, पूरी सरकार और पूरी पार्टी उसमें उलझी हुई थी, जिसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल अब तक जल करके राख हो गए। हजारों हेक्टेयर जंगल में आग का खतरा बना हुआ है। अनेक आबादी वाले इलाके इस समय आग की चपेट में है या आग से घिर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास कोई फुर्सत इस आपदा से लड़ने की नहीं थी। धर्मनगरी हरिद्वार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कल मां गंगा किनारे बने 3 घाटों का लोकार्पण किया था। उसके बाद साधु संतों के आयोजित किए गए कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। बता दें, आज मोहन भागवत हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचे और मां गंगा में स्नान किया, मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश की उन्नति की कामना की। आज महाकुंभ 2021 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने हर की पौड़ी पवित्र ब्रह्मकुंड पर स्नान किया। जैसा कि पूरे देश, पूरे विश्व में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग हरिद्वार ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए, पुण्यदाय डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उसी में कल संतों के मुलाकात के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी अपने सभी उत्तराखंड के संघ के साथियों के साथ गंगा स्नान किया। श्री गंगा सभा द्वारा उनका स्वागत किया गया, गंगा जी की भेंट की गई एवं आचार्य अमित शास्त्री जी द्वारा उनको गंगा पूजन किया गया। सूबे के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का बिंदु खत्ता पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सूबे के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की दिशा में प्रयास करने के साथ साथ बिंदु खत्ता में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। यहाँ बिंदु खत्ता के संजय नगर द्वितीय स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में पहुंचे उत्तराखंड के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 80,000 आबादी वाला क्षेत्र होने और सालों के लंबे संघर्ष के बावजूद भी बिंदु खत्ता आज तक राजस्व गांव नहीं बन पाया। मौजूदा सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजस्व गांव के लिए केंद्र पर दबाव बनाएगी। देखिए, बिंदु खत्ता के बारे में पूरी सरकार उस पर विचार कर रही है, उसके समाधान कैसे निकले करके इस पर विचार कर रही है। हम लोग सब लोग इस पर बिंदु खत्ता जैसे बहुत सारे गांव हैं हमारे, 1 लाख की जनसंख्या है, बग्गा चौन है आपका, आपके इसी जनपद में दमोडुआ है, हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी, गढ़वाल मंडलों में बहुत सारे ऐसे लोग जो होंगे लाखों की जनसंख्या वाले जो गांव हैं, जो राजस्व हैं, जिनको सरकार से उनको उनके नाम से जमीन नहीं मिल पा रही, इस पर सरकार विचार कर रही है। मौसम विभाग ने राज्य में सोमवार से बारिश ओलावृष्टि को लेकर 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें, मौसम विभाग ने 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को राज्य में उनके अनेक हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली और बारिश होने की संभावना है। साथ ही रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून में हल्की से हल्की बारिश, बर्फबारी जैसी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं 6 तारीख को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं ओलावृष्टि, हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही 3200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बता दें, मैदानी क्षेत्रों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। आज 5 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, तो 6 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों जबकि 7 तारीख को उनमें अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है।
छः और सात तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, यहाँ पे कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की भी संभावना है। और इन दिनों जो 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है 6 तारीख को, जबकि 7 तारीख में इनकी गति जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। नैनीताल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसमें चेकिंग के दौरान सीपीयू और पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीपीयू ने स्कूटी से 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें चरस की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। साथ ही कुसुम खेड़ा का रहने वाला तस्कर नववर्धन तिवारी चरस को स्कूटी के अंदर छुपा कर ले जा रहा था, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन दिनों नशे के विरुद्ध एक अभियान जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कल मुखबिर की सूचना के बाद एक स्कूटी सवार, जिसने कि अपनी बिग्गी के अंदर बहुत अंदर छुपाकर एक थैले में 1150 ग्राम चरस छुपाई थी, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और NDPS की सुसंगत धाराओं में उसे जेल भेजा जा रहा है। नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा में आज से सन्यास दीक्षा का बृहद आयोजन शुरू हो गया है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सचिव व कुंभ मेला प्रभारी महंत महेशपुरी के मुताबिक सन्यास दीक्षा के लिए सभी चारों मंडियों, जिसमें 4, 16, 13 और 14 मंडी शामिल हैं, उन नागा सन्यासियों का पंजीकरण किया गया। आवेदकों की बारीकी से जाँच के बाद दीक्षा के लिए केवल योग्य और पात्र साधुओं का ही चयन किया गया। बता दें नागा सन्यासी बनने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले नागा सन्यासी को महापुरुष के रूप में दीक्षित कर अखाड़े में शामिल किया जाता है। साथ ही 3 सालों तक महापुरुष के रूप में दीक्षित सन्यासी को सन्यास के कड़े नियमों का पालन करते हुए गुरु सेवा के साथ अखाड़ों के कई कार्यक्रमों कार्य भी करने पड़ते हैं। साथ ही 3 साल की कठिन साधना में खरा उतरने के बाद कुंभ पर्व पर उन्हें नागा बनाया जाता है। बता दें श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में आज लगभग 1000 नागा सन्यासियों को दीक्षा दी जाएगी। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संगम मर की भव्य प्रतिमा का अनावरण हो गया है। मेयर ने मूर्ति शुद्धिकरण के लिए हवन संपन्न कराकर मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम संपन्न कराया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए गए मार्ग पर चलने से ही समाज का विकास संभव है। बाबा साहेब समाज के सच्चे मार्गदर्शक थे। पुराना टोटल हमारा लगभग इसमें 12 लाख के करीब खर्चा आया था। जैसे कि आपको पता है कि पुराने संविधान की किताब किसी के द्वारा उठा ली गई थी, तो हमने इसमें तुरंत एक्शन लेके इसी रिपोर्ट की और वर्तमान में हमने संगमरमर की नई मूर्ति लगाई। मूर्ति की कॉस्ट 1,05,000 है और टोटल हमारे स्ट्रक्चर में इसमें 2.5 लाख के करीब खर्चा आया है, यानी टोटल 3,60,000 के करीब हमारा दोबारा इसमें खर्चा आया है। और अब हमने भव्य मूर्ति लगा दी है और मूर्ति की हाइट और प्लेटफॉर्म की हाइट भी बता दी है। मूर्ति की लागत ये 12 लाख की लागत से मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। और जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी भव्य मूर्ति का यहाँ पर आज अनावरण करा। पिछली बार हमने इसका मूर्ति का अनावरण करा था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति से संविधान की पुस्तक को क्षति पहुँचाई गई थी, जो कि मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर CCTV कैमरों से चाक चौबंद पूरी तरह से किया गया पुनः, क्योंकि हमारा सभी का सम्मान तभी है जब हमारे महापुरुषों का सम्मान रहेगा। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान को देखते हुए जब उनकी पुस्तक खंडित हो गई थी, तो हमने तत्काल निर्णय लिया कि मूर्ति को यहाँ पर दोबारा स्थापित करेंगे। इसमें दो ढाई महीने का समय लगा। उसके बाद तुरंत यहाँ पर आज बड़ी आदमकद संगमरमर की मूर्ति लगाई गई। और मैं उन सभी असामाजिक तत्वों को भी आपके चैनलों के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी कि वो इस तरह की जो हमारी धरोहर हैं, वो राष्ट्र की धरोहर हैं, उन जगहों पे ऐसी छेड़खानी ना करें जो कि उनको नुकसान पहुँचे।
हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन के लिए नारसन बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं कुंभ मेला अधिकारी ने दूसरे राज्य से आ रहे यात्रियों से बातचीत भी की। साथ ही कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने बाहरी राज्यों के उन यात्रियों को वापस भेज दिया जिनके पास 72 घंटे तक की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। साथ ही उन्होंने नारसन बॉर्डर पर हो रहे कोविड टेस्ट के काउंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान नारसन बॉर्डर पर मौजूद कर्मचारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए और उन्होंने कहा जो यात्री बाहर से आ रहे हैं यदि उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तभी उनको उत्तराखंड में प्रवेश मिलेगा। में अच्छी व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे जॉन मजिस्ट्रेट साहब स्वयं भी हैं, अच्छा काम वो कर रहे हैं। मुख्यतः मैं देखने आया था कि जो हमारे वाहन आ रहे हैं बाहर से, इसमें जो हमारे यात्रीगण आ रहे हैं जो हरिद्वार जाना चाहते हैं, क्या उनका पहली बात तो ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं है। सेकेंडली, क्या उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR की वो है या नहीं है। तो इसमें SOP बहुत स्पष्ट है कि जो ये लेके नहीं आएगा उनको आप मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं देंगे, अन्यथा इससे अगर वो संक्रमित हों तो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बड़ा जमावड़ा होता है, लोग जगह जगह से आते हैं, तो सबके स्वास्थ्य को देखते हुए ये किया जाना बड़ा आवश्यक। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।